नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश डोज विद अभी में। तो साथियों, आपका इंतज़ार हो चुका है ख़त्म। जैसा आप सभी जानते हैं, 30 सितंबर से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होनी है बीएड की। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो कि कराई गई थी आपकी, उसके ही संबंध में दोस्तों आज का ये नोटिस है, आज की ये सूचना है आप सभी के लिए। आपको बता दें कि महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली की तरफ से दोस्तों काउंसलिंग का जो दिशा निर्देश है उसको जारी कर दिया गया है। अब आइए इस सूचना को विस्तार पूर्वक समझते हैं कि किस प्रकार से आपको काउंसलिंग करवानी है, और काउंसलिंग में दोस्तों आपके जितने भी आवश्यक दिशा निर्देश हैं उनको भलीभांति समझ लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, यदि आपकी एक भी गलती हो जाती है तो फिर आप अपनी काउंसलिंग से वंचित रह जाएंगे और शायद आपको एडमिशन फिर लेने में प्रॉब्लम्स हो जाएँ। तो इस वजह सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले एक एक पॉइंट को, काउंसलिंग के जितने भी दिशा निर्देश हैं, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर चर्चा हम लोग करेंगे और उनको एक एक बिंदु को समझने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, इससे पहले आप सभी से यही कहूँगा, यदि आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करें ताकि भविष्य में सभी अपडेट्स आपको मिलती रहें, और यदि वीडियो अच्छी लगे आपको तो प्लीज़ लाइक करके शेयर भी जरूर कर दें। दोस्तों, ऐसा आप देख पा रहे हैं कि पहला पॉइंट आपको ये नज़र आ रहा होगा, काउंसलिंग दिशा निर्देश, ये देख पा रहे हैं आप, जो कि आपके आयोजक में महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली की तरफ से जारी किया गया है। आपको बता दें, जैसा आपने देख पा रहे हैं पहला पॉइंट क्या लिखा है, विस्तार पूर्वक दोस्तों समझिएगा सारे बिंदुओं को। केवल वही अभ्यर्थी जिन्हें बीएड जेई 2022-24 की वैधता सूची में रैंक आवंटित की गई है, काउंसलिंग में प्रतिभाग करने के पात्र हैं। मतलब आपने जब अपना वो चेक किया होगा रैंक, तो उसमें दोस्तों आपको ये भी लिखा होगा कि आप काउंसलिंग के लिए वैलिड हैं या नहीं वैलिड हैं। तो आपकी जिस भी रैंक के अनुसार आपने जो है काउंसलिंग यहाँ पर कराई जाएंगी। आपको बता दें कि यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं www.mjpru.ac.in की ये वेबसाइट आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है रुहेलखंड विश्वविद्यालय की। इसमें दोस्तों, इस पर आप जाकर के अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया को संपन्न करवा पाएंगे। अब आपको बता दें कि जैसा आप देख पा रहे हैं काउंसलिंग चक्र और ये पूरे यहाँ पर सिस्टम दिए गए हैं। आपको मैं सीधे ले चल रहा हूँ दोस्तों कि सबसे पहली चीज़, आपको आवश्यक अभिलेख भी आपकी ज़रूरत होगी, आपको शुल्क देना पड़ेगा, और सारी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपकी शुरुआत कर देते हैं यहाँ से, और आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आपका जो जैसा भी है उस चीज़ को भी मैं बाद में आपको लेकर चलता हूँ। फिलहाल आपको सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम लोग बात कर लें कि इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन है वो दोस्तों क्या रहने वाला है, और इसमें आपको किस तरह के डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार देने हैं उसको समझते हैं। दोस्तों, आपको बताएं, सबसे पहले जो आपकी बैंक की, यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है कि काउंसलिंग में आपको करना पड़ेगा अपना पंजीकरण। जी हाँ, काउंसलिंग पंजीकरण करना होगा, और पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए, आपको रजिस्ट्रेशन करने में आपको ये बात समझनी है कि रजिस्ट्रेशन में आपको दोस्तों यहाँ पर कुछ अभिलेख देने पड़ेंगे, और अभिलेख क्या क्या रहेंगे उसको समझते हैं। सबसे पहले शुल्क की वापसी यदि आपको कोई होनी है तो बैंक खाते का विवरण आपको देना पड़ेगा, और बैंक खाता आपका होना चाहिए या आपके माता पिता का हो सकता है। दूसरी बात आपको बता दें कि सीट आवंटित अगर नहीं हो पाती है तो पहली काउंसलिंग में अभ्यर्थी द्वारा जो भुगतान की गई है फीस, वो पूर्ण काउंसलिंग में जो पूर्ण कॉलेज आपको वहाँ पर होगा वो वापसी आपको उसी खाते में की जाएगी। अब आपको बता दें कि अभ्यर्थी को ये भी यहाँ पर कहा गया है कि जनधन खाते के का विवरण बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि इसमें क्रेडिट सीमा के कारण ऐसे खाते में आपकी शुल्क की वापसी नहीं हो पाएगी। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अब आप समझ लीजिए, आपका अभ्यर्थी का आपका जो विवरण देना है उसमें खाता संख्या, खातेधारक का जो है नाम, IFSC कोड, बैंक और शाखा वहाँ पर दी होनी चाहिए, और जो उपरोक्त बैंक है उसकी दोस्तों प्रथम पृष्ठ, जी हाँ फर्स्ट जो वाला पेज होता है वहाँ पर दोस्तों आपको उस फर्स्ट पेज का प्रिंट जो होता है, मतलब जिसमें आपकी फ़ोटो लगी होती है, JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड भी करना पड़ेगा। आपको बता दें कि जो भी 2022 में बैठने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक बात समझने वाली ये भी है कि काउंसलिंग पंजीकरण के समय जो भी आपकी अंक तालिका है उसकी स्कैन कॉपी भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी, जो भी आपकी अपनी पात्रता परीक्षा की अंक तालिका आपको प्राप्त हुई है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये समझ लीजिए। मूल अंक तालिका ही इसमें स्वीकार की जाएगी, ये भी इसमें कहा गया है, और प्रोविजनल या इंटर्न मार्कशीट तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि संबंधित कॉलेज के प्राचार्य या विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार या परीक्षा नियंत्रक के अधिकृत पदधारक के द्वारा वो सत्यापित ना हो। मतलब वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए एक तरह से, अगर आप ओरिजिनल नहीं है तो उस पर आप अपना अटेस्ट करा लीजिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जो भी संबंधित वहाँ पर आपके वहाँ वर्क करता है।
दोस्तों अब आपको बता दें कि पंजीकरण पहला स्टेप आपके लिए आ चुका है पंजीकरण का, और पंजीकरण में आपको क्या क्या करना पड़ेगा समझिए। पहली बात, स्टेट बैंक के आधार पर काउंसलिंग में विभिन्न चरण आपको लेने पड़ेंगे और उनमें देख सकते हैं आप। सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का लॉगिन विवरण का उपयोग करके आप लॉगिन करेंगे। पासवर्ड अगर भूल गए हैं तो वेबसाइट पर आपको फॉरगेट पासवर्ड के द्वारा आप दोबारा प्राप्त कर पाएंगे। अब दोस्तों आपको बता दूँ कि शुल्क की बात, तो दोस्तों शुल्क का यहाँ पर जो सिस्टम है, अगर हम शुल्क की बात करें तो शुल्क आपको दोस्तों 650 रुपये यहाँ पर आपका जो काउंसलिंग फीस है वो 650 है। अब एक बात समझ लीजिए कि आपको जो कॉलेज यहाँ पर आप करेंगे तो कॉलेज को लॉक करने के लिए यहाँ पर आपको 5000 रुपीज़ देना पड़ेगा, मतलब 5000 और प्लस आपका 650 मिला करके टोटल आपको देना पड़ेगा 5650 रुपये यहाँ पर आपको भुगतान करने पड़ेंगे, जिसमें काउंसलिंग शुल्क के साथ साथ आपके जो अग्रिम कॉलेज का शुल्क है 5000 रुपये वो भी ऐड रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बता दिया है। अब अभ्यर्थी को अगर आपकी कोई भी सीट आवंटित नहीं होती तो जो 5000 रुपये आपने दिए होंगे वो दोस्तों आपके जो भी खाता आपने दिया है उसमें 5000 रुपये आपके वापस कर दिए जाएंगे। मतलब 650 तो आपके काउंसलिंग के हो गए, और काउंसलिंग के तो दोस्तों नहीं होंगे वापस, लेकिन आपके जो 5000 रुपये की फ़ीस है वो ज़रूर आपकी वापस हो जाएगी। तो इसलिए अपना मैं आपसे फिर से ये कहूँगा कि अपना अकाउंट वही दीजिए जो जनधन ना हो। अब आपको बता दें, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ साफ साफ, जैसा मैंने आपको पहले ही बता रखा है, यहाँ पर यह चीज़ लिखी हुई है कि काउंसलिंग का जो शुल्क है वो नॉन रिफंडेबल है, मतलब वो वापसी योग्य नहीं रहेगा, उसमें आपको वापसी नहीं की जाएगी। अब आपको बता दें दोस्तों कि आपको विकल्प कैसे भरना, ये इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, ये सबसे ज़्यादा दोस्तों आपका जरूरी भाग है इस वीडियो का, और इसको ज़रूर देखिएगा कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है और आप कॉलेज कैसे किस प्रकार दे पाएंगे। सबसे पहले बात यह है कि पंजीकृत अभ्यर्थी जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी बात, चॉइस फिलिंग से पहले अभ्यर्थी को इस प्रकार अपने विवरण को सत्यापित भी करना पड़ेगा। आपको बता दें, संस्कृत बीएड महाविद्यालय में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी के पास स्नातक के 3 वर्षों के जो संस्कृत के मतलब मार्कशीट या जो भी हैं उनको होना जरूरी है, तभी उसका अगर है तो अभ्यर्थी उसका चयन हाँ की तरफ कर दे। अब आपको बता दें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपना जेंडर गलत हो जाने की स्थिति में सही करने का विकल्प डिफ़ॉल्ट रूप से उस विकल्प पर सेट होता रहेगा, और आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो कि भरना है। काउंसलिंग के लिए जो पंजीकृत अभ्यर्थी हैं वो अपनी पसंद के अनुसार अपना विकल्प भर लें, जो भी चाहें वो विकल्प दे सकते हैं। और एक बात ये भी इसमें कहा गया है कि किसी भी चीज़ के, अगर आपको यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 2.7 वाला है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवंटन में अस्वीकृति से बचने के लिए अधिक विकल्प दें। अक्सर दोस्तों लोग करते क्या हैं कि एक या दो ऑप्शन उन्हें जो चाहिए वो ये कर देते हैं कि उन्हें मान लीजिए एक या दो ऑप्शन उन्हें दे दिए मान लीजिए, और उसके बाद वो आगे अप्लाई ही नहीं करते हैं, कॉलेज में चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं। दोस्तों ये आपके लिए एकदम गलत तरीका है। मैं आपको ये बता दूँ कि आप अगर चाहते हैं बीएड में एडमिशन लेना तो जो भी आपके नियरेस्ट आपके पास के जो भी यहाँ आपके हों आसपास के स्कूल या कॉलेज, उनमें ज़रूर दोस्तों आप जो है अपना वहाँ पर नेम मेंशन जरूर करिए उस कॉलेज का, ताकि क्योंकि होता यह है कि जब आप अपना मान लीजिए आपने दो ऑप्शन दिए और दोनों में से आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो फिर आपको वो अपने हिसाब से आपका सबमिशन वहाँ पर कर दिया जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा गया है विकल्पों का पूर्वावलोकन और पुनर्स्थापन किया जा सकता है अंतिम सबमिशन तक, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज़ को। और जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं अभी तक मैं बता रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ आपको पसंद आ रही होंगी, आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और उसके बाद दोस्तों शेयर भी करें, क्योंकि आपके जितने भी दोस्त हैं उन्हें बहुत से आपके साथी होंगे जिनको इस चीज़ की ज़रूरत होगी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एक बार गलती आपकी हुई तो आपकी काउंसलिंग से आप वंचित रह सकते हैं। अब बात समझ लीजिए कि अभ्यर्थी द्वारा जो भरे गए विकल्प अंतिम विकल्प हैं वो एक बार लॉक हो जाने के बाद उसमें बदलाव नहीं किया जा सकेगा। स्वयं के हित में अभ्यर्थियों के वैधता के आवश्यक क्रम में अधिक से अधिक संख्या में कॉलेज का विकल्प करें, ये बात दोस्तों इसमें कही गई है जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। आप समझिए, यदि किसी अभ्यर्थी ने विकल्प जमा कर दिया लेकिन विकल्प करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद तक लॉक नहीं करता है तो भी ये सीट अपने आप स्वतः लॉक हो जाएगी। मतलब आपने किसी भी ऑप्शन को मान लीजिए चूज़ किया, उसके बाद उसमें आप लॉक नहीं करते हैं तो भी वो अपने आप दोस्तों लॉक हो जाएगी। आप कॉलेज का आवंटन पे बात करें तो आपकी जो रैंक है उसी के अनुसार आपको वरीयता क्रम में चुने गए कॉलेजों के आधार पर आपका प्रवेश लिया जाएगा।
आरक्षण का जो व्यवस्था चल रही है वो चलती चली आएगी और इस प्रकार दोस्तों आप अपना सारी प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे। आपको बता दें अनंतिम आवंटित सहपुत्री पुष्टि दोस्तों जो पत्र है यहाँ पर उसे भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि आपको फिलहाल आपने स्टेप सारे वो करने के बाद में आप जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको इस तरह से चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने आपको बता दी हैं और उम्मीद यही करूँगा कि आप तक जो भी जानकारी मैंने पहुँचाई है वो आप तक जरूर पहुँची होगी। और जैसे ही दोस्तों आपको यहाँ पे एक बात समझनी है, आवंटित हो जाए विद्यालय, आपको उस विद्यालय में रिपोर्ट करना है, मतलब आप वहाँ पर जाएंगे अपनी काउंसलिंग के लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा संबंधित विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपको चीज़ें मैंने बताई हैं आपको पसंद आई जरूर होंगी। एक बात और दोस्तों, आप जैसा देख पा रहे हैं पॉइंट इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए, ज़्यादा वेट मत करिएगा। अभ्यर्थी को आवंटन की तारीख के 3 दिनों के भीतर सभी मूल दस्तावेज, देख लीजिए यहाँ पर आपको मूल दस्तावेज लेकर के जाना है और विद इन 3 डेज, 3 दिन के अंदर, ये बात समझ लीजिए 3 दिनों के अंदर आपको यहाँ पर दस्तावेज ले जाने हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको समझिए। जो भी आपके रहेंगे वहाँ आवंटित विद्यालय के, आपके महाविद्यालय के प्राचार्य, वहाँ पर दोस्तों अभ्यर्थी आपके मूल अभ्यर्थियों उनके जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनका सत्यापन होगा और ये सारी चीज़ें आपको समझ लेनी है। अब आपको बता दें कि दोस्तों कि आपको ले क्या क्या जाना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं समझ लीजिए। आपको अपने सभी प्रपत्रों की मूल प्रति ले जाने की आवश्यकता होगी, उसके साथ साथ जो भी आपको दोस्तों अनंतिम आवंटन यहाँ पर हुआ है, मतलब एक तरह से जो आपका अलॉटमेंट लेटर है, अलॉटमेंट लेटर का दोस्तों यहाँ पर आपको कन्फर्मेशन लेटर ले जाना है। आपको अपने JEE BED एग्जामिनेशन का जो यहाँ पर दोस्तों प्रवेश पत्र है, आवेदन पत्र है और स्कोर कार्ड है, उनकी प्रतियाँ ले जानी है। क्लास टेंथ का आपका मार्कशीट रहेगा, उसमें प्रमाण पत्र आपके एक DOB के लिए, अर्हता परीक्षा की सभी अंक पत्र, मतलब जो भी आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या PG कर रखा है, जो भी कर रखा है उसका फ्रॉम द बिगिनिंग, आप जब टेंथ टू लास्ट तक आप लेकर के जाएंगे, आपका जो भी श्रेणी है उस श्रेणी के अकॉर्डिंग आप वेटेज, अगर आपके पास कोई तो वेटेज आप लेकर के जाएंगे, और आपका मूल फोटो जो प्रमाण पत्र है जो कि आपके वैलिड रहना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। पासपोर्ट आकार के 2 फोटो आपको ले जाने हैं और सभी शुल्क प्राप्तियों की प्रतियां भी ले जानी हैं। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण व्यक्ति आपको मैंने बता दी हैं जितनी भी जानकारियां हैं। ये पूल काउंसलिंग का डेटा दिया गया है, वैसे सारी चीज़ें बहुत सी चीज़ें दी गई हैं। उम्मीद करता हूँ जो भी बताया है मैंने, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपको दोस्तों एक काम और करना है कि वो ये है, आपकी फ़ीस की अगर बात करूँ टोटल फ़ीस, तो जैसा आप जानते हैं कि 51,250 रुपये आपका फ़ीस है फर्स्ट ईयर का, वो आपको दोस्तों पे करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है, यदि पहुंची है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर टच करें, ताकि भविष्य में भी आपको ऐसी सही जानकारी और सटीक अपडेट मिलती रहे। अंत में दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा कि यदि आप चाहते हैं कि आपको इसका ये जो PDF आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर मिल जाए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसे ज्वाइन करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, और ज्वाइन करते हुए ग्रुप को ज्वाइन करेंगे जैसे ही आप दोस्तों, उसमें आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जो भी आपको जानकारी मैंने दी होगी पहुँची है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करें, चैनल पर सब्सक्राइब करके पहली बार दिए आए हैं सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को टच करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आप सभी का धन्यवाद, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिन शुभ हो।